नहीं होता कुछ यार उसे बिकॉज ऑफ मुझे इन्वाइट किया इन लोगों ने और सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक और सबको मेरा यही है कि सब लोग अच्छा से करें, यहाँ से कोई एक निकल के जाए आउट ऑफ इंडिया और यही मेरा विश है। और जजमेंट के बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ, एकदम अच्छा से जजमेंट हो रहा है, सब लोगों ने अच्छा से परफॉर्म किया, तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग अच्छा से परफॉर्म करें और यहाँ से कोई एक आउट ऑफ इंडिया या कहीं भी जाके हमारा इंडिया का नाम रोशन करे, मुंबई का नाम रोशन करे, यही मैं चाहती हूँ। कुछ अपने बारे में बताइए दर्शकों की, आपका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है एज एन एक्ट्रेस? एज एन एक्ट्रेस तो ये है, आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट और मैं असम की एक्ट्रेस हूँ, यहाँ पे मैं काम करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया है गली गाइस वालों की तरफ से, तो इनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया एज ए शोस्टॉपर। और स्नेहा भी, स्नेहा गोगोई, उन्होंने मुझे, मैं उनका कॉस्ट्यूम, आई एम वेयरिंग हर कॉस्ट्यूम फैशन बीइंग एन एसोसिएट ऑफ द प्रोजेक्ट और आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द ज्यूरी। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, मतलब गली गाइस ये एक ऐसा नाम है सो जिसे हर गली से टैलेंट आएगा और हर घर से, हर गली से लोग एक मौका जिसको नहीं मिलता है तो लोगों को ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मौका मिलेगा और कुछ बन जाएंगे लोग, मतलब अपने अपने अलग अलग जो भी कोई सिंगर है, कोई डांसर है, कोई एक्टिंग में, हर कोई अपने अपने फील्ड में आगे चल के बहुत मान बनेगा और ये एक शुरुआत है, ये एक प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि शो का जो कॉन्सेप्ट है क्या कहना चाहेंगे, कितना सक्सेसफुल आपको लगा, कैसे मतलब आया आपके दिमाग में और क्या इंस्पायर्ड किया आपको शुरुआत में कॉन्सेप्ट को? एक्चुअली जब मैं पहली बार आई थी इस रिहर्सल पे, जब हम शूटिंग कर रहे थे तब देख रही थी एक एक कोने कोने से, गली गली से हम लोग एक एक टैलेंट को ऑडिशन लेके बुला के लाए हैं और आज ये बोलना मुश्किल है कौन विनर है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। हमारे लिए तो सारे कंटेस्टेंट विनर है और मैं उन लोग को गॉड ब्लेस भी करना चाहती हूँ, आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, इस प्लेटफॉर्म को अपनाए और आगे भी कुछ हेल्प चाहिए हमसे, हम ऑब्वियसली उन लोग को करेंगे। और ऐसे ऐसे में मॉडल्स देखा अभी, कोई रैंप कर रहे थे, मतलब वो एक मॉडल है नहीं है, मतलब करने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो उनका टैलेंट अच्छा लगा देख के, कोई सिंगिंग कर रहे, कोई मॉडलिंग कर रहे, कोई डांस परफॉर्मेंस कर रहे, मतलब बहुत अच्छा किया इन लोगों ने। तो जो भी विनर होगा, कंग्रेचुलेशंस टू हर हिम, तो दिल से प्रे करती हूँ और आगे बढ़े और आगे बस। नानू का नाम दिलीप सैन है जो बहुत बड़े म्यूजिशियन है। सामने देखो, आपको कैमरा इधर है, कोई भी कुछ पूछे आपको इधर ही फेस रखना, कहीं इधर उधर मत। सांस बताइए कुछ अपने बारे में और शो के बारे में कि आप सबसे यंगेस्ट ऑर्गेनाइजर हैं, कैसा लग रहा है आपको इस बारे में? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं क्रिकेटर भी हूँ और ये मेरे नाना है जिनका नाम दिलीप सैन है जो की बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है। जी हाँ बिल्कुल, मैं शम्स का नाना और इनकी मम्मी आज ही मुझे मिली, आज ही मेरे को एक बड़ी प्यारी सी बिटिया मिली, ये काफ़ी मतलब इन्होंने जो मेहनत की है बच्चे के नाम से, ये जो प्रोग्राम बनाया है गली गाइस, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर इस तरीके से अगर हर इंसान हिम्मत करे और नए नए टैलेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करे तो हमारे हिंदुस्तान में कला की कोई कमी नहीं है। और जो इन्होंने इतनी मेहनत की, आज हमारी बहन जी हमारे साथ में, वसीम साहब है, नजमा है और मीडिया कर्मी जितने भी मीडिया है जो कि आज इतनी सारी मीडिया जमा हुई है, मैं इनको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो यहाँ आए और इतनी दूर आए बम्बई से वैसे ही मैं आके, मतलब और सब बच्चों को उन्होंने इंकरेज किया, उनके फोटोग्राफ लिए, उनको मतलब प्रोत्साहन बढ़ाया और आप आज के इस दिन में मेरे को ये दे रहे हैं। खास करके हमारे डायरेक्टर साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बच्चों से बहुत अच्छा काम लिया। शुभ नाम बता दो मुझे, प्रदीप कालेकर, प्रदीप कालेकर साहब को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ और आज इनसे वादा कर रहा हूँ, शार्दुल कुमार जी को इनसे वादा कर रहा हूँ कि जब कभी भी दिलीप सैन की जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर इनकी सेवा में हाजिर रहूंगा इनकी गली गाइस के लिए। अरे अब आप मुझे क्या देना चाहते हैं, दीजिए। ये देना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू, और नानी को फूल दे दो।
नानी तुमको कैसे भूल गए? हाँ तो अब भाई इनके लिए गाना बनता है सैम्स के लिए, जो मैं अक्सर आप लोग मेरा गाना सुनते हो और सबको सुनाते भी हो। और अभी कौन? ओए ओए होकू बोले थे कि आने वाले एक बहुत बड़े इंसान जो कि जज बनकर आएंगे और वो रहे नानू। एक मिनट पर आज मैं बोल नहीं पा रही। अरे आज बेटे की खुशी में बोलो। बाप और बेटे ने मेरे बाप ने मेरे को बोलने, मैं बोल नहीं पा रही। अरे जीती रहो बेटा, बहुत आगे बढ़ोगे। मेरी बहन बोल लेंगी मेरे बदले में। आप बोले बहन जी, आइए तुम बोलो। मैं आज दीदी मम्मी तुम बोलो। शो के बारे में, सबसे पहले तो इनके बारे में जो इतने यंग हो के ऑर्गेनाइजर हैं, सभी को नमस्कार। खासकर आप लोग इतने दूर से आए हैं, सारे मीडिया जो आज मेरा यहाँ इंटरव्यू ले रही है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा धन्यवाद हमारा मेरा बेटा शम्स राठौर, जिसने आज इतनी बड़ी, आप लोग देख रहे होंगे कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री से आज़ादी अपने बलबूते ले, उस बच्चे ने अपने बलबूते पर एक सोच रखा कि मैं गली से जितने भी कलाकार हैं उनको निकालूंगा और यहाँ लाकर खड़ा करूंगा, और उसने उस चीज अपने सपने को सच किया। आप देख रहे होंगे आज उसका जन्मदिन है, उसका जन्मदिन हम लोग बहुत अच्छे रूप से मनाते थे वैसे भी, और आज इतना अच्छा कि पूरा इंडिया शम्स के साथ और हमारे साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। तो थैंक यू शम्स, थैंक यू। कुछ हमारे फिनाले है, क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर साहब? लाइट प्रदीप जी और हमारे दोनों पार्टनर हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, काफी सारे क्या कहना चाहेंगे आज के? ये हमारे लिए एक अलग अनुभव था, और ये गली बॉय जो ये डिज़ाइन बनाया गया है उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा, क्योंकि ये सब आना जाना 3-4 दिन का प्रोग्राम शूटिंग ये सब फिर हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने जो हमें विश्वास दे के हमें ये काम दिया वो हमारा काम आज सफल हुआ। क्या बोलते हैं माइक आगे लेना, माइक अरे आगे मत लेते थोड़ा बोल ना सर, बोलिए ना क्या कहना चाहेंगे। गली गाइज एंड बॉयज एंड गर्ल्स, ये एक लाइव शो का कंसेप्ट सैम के द्वारा रखा गया, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आज की डेट में ये बच्चे ने बताया है कि गली के लोग को किस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऊपर उठाया जा सकता है और उनको एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, उनके कला को निखारा जा सकता है। तो सबसे पहले गली बॉयज का जो ये सोच रखता है सैम, इसके लिए इसको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको बर्थडे में बहुत बहुत मेरा शुभकामनाएँ। और प्रिया फिल्म क्रिएशन, प्रिया बहन को मैं पहले से भी जानता था, लेकिन कभी हमारी ऐसी मुलाकात नहीं हुई। जब आज बबीता दीदी ने बताया कि प्रिया जी के बारे में कि प्रिया जी बोली कि मैं पहले से एक दूसरे को जानता हूँ, लेकिन हमारी इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई। इन्होंने इस बच्चे को, अपने बेटे को इतना बढ़िया कल्चर सिखाया है, संस्कृति से जुड़ा है, कि निश्चित ही ये आने वाले दिन में एक रोल मॉडल बन के उभरेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है।